इस किले की खान में मिला था दुनिया का बेशकीमती हीरा कोहिनूर। भारत का ऐतिहासिक शहर हैदराबाद अपने अंदर कई राज दफन किए हुए है। यहाँ आज भी कई ऐसे भवन, इमारतें व किले मौजूद हैं जिनकी बूढ़ी होती दीवारों में भारत का अतीत संचित है। हैदराबाद भारत की उन 565 रियासतों में से शामिल था जहाँ कई बादशाहों, राजा महाराजाओं ने राज किया। इस ऐतिहासिक किले के बारे में, जिसकी दीवारों को गिराने के लिए मुगल शासक औरंगजेब ने अपनी सारी तोपें लगा दी थी। गोलकुंडा का किला हैदराबाद शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह किला अपने बेशकीमती खजानों व रहस्यमयी गुफाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ लंबे वर्षों तक काकतीय राजाओं ने राज किया। इतिहासकारों की माने तो इस पहाड़ी किले को बनाने का सुझाव राजा प्रताप रुद्रदेव को एक गडरिय ने दिया था, जिसके बाद इस किले का निर्माण करवाया गया। अगर आप इस किले का नाम का शाब्दिक अर्थ देखें तो पता चलेगा कि गोलकोंडा यानी दो शब्दों के मेल से बना है, गोला जिसका अर्थ गडरिया व गोंडा यानी पहाड़ी। अगर आप इस किले के सबसे ऊपरी भाग पर जाएं तो आपको इसकी ऊंचाई का पता चलेगा, जहां से आप पूरे हैदराबाद का दीदार कर सकते हैं। यह ऐतिहासिक किला बहुत मायने रखता है। यहां आकर आप प्रारंभिक भारत की छवि देख व समझ पाएंगे जो कभी राजा महाराजाओं व निजामों के बीच बटी हुई थी। किले की काली पड़ती दीवारों ने न जाने कितने बादशाहों, सम्राटों को आते जाते व मिटते देखा है। कई आक्रमणों को झेल चुका यह किला अपने अतीत को अभी भी संभाले हुए है। ऐतिहासिक किले की मजबूत दीवारों को देख सकते हैं जिसकी पहरेदारी में यह किला आज भी जीवित है। यह दीवारें इतनी मजबूत थी कि जिसकी मुगलिया तोपें भी ज़्यादा कुछ बिगाड़ न सकी। यह ऐतिहासिक किला कई शासकों का अतीत बयां करता है जिस पर अलग अलग समय पर कई सम्राटों ने शासन किया। यह बात भी सामने आती है कि राजा कृष्णदेव राय ने एक संधि के तहत इस किले को बहमनी वंश के राजा मोहम्मद शाह को सौंप दिया था। फिर यहाँ कई लंबे समय तक बहमनी राजाओं ने राज किया, जिसके बाद गोलकुंडा पर एक नई सल्तनत कुतुबशाही का आगाज हुआ। इस वंश के सात सम्राटों ने गोलकुंडा पर राज किया। कुतुबशाही सल्तनत के तीन राजाओं ने महल का पुनर्निर्माण करवाया। इस वंश के चौथे सम्राट मोहम्मद कुली कुतुबशाह ने अपनी पत्नी भागमती के नाम पर भाग्यनगर नामक शहर का निर्माण करवाया, जिसे अब हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। यह किला पहाड़ी पर स्थित है तो यहाँ जल पहुँचाना इतना आसान नहीं था, इसलिए यहाँ जल संचय व प्रभाव के लिए अद्भुत तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। उस समय पानी ऊपर पहुँचाने के लिए टेराकोटा पाइपों का इस्तेमाल किया गया था, हालांकि अब यह पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है। यह किले का वो भाग है जहां कभी फरियादी अपनी फरियाद लेकर राजा के पास आते थे। किले का यह भाग किसी रहस्य से कम नहीं है। यहां का ध्वनि विज्ञान किसी को भी अचरज में डाल सकता है। यह संरचना किले के प्रवेश द्वार के पास स्थित है। यहां द्वार के नीचे अगर आप ताली बजाएंगे तो आपकी ध्वनि किले के सबसे ऊंचाई वाले भवन तक सुनी जा सकती है। संरचना को अब वर्तमान नाम तालियों के मंडप से संबोधित किया जाता है। आप जानते ही होंगे कि पुराने समय में सदियों पहले बहुमूल्य कीमती खजाना राजा महाराजाओं के पास होता था और कई तिलस्मी चीज़ें भी राजाओं के पास होती थी, जो समय समय पर किले की खुदाई करते वक्त दुनिया के सामने भी आ चुकी है। ऐसी ही बहुमूल्य वस्तुओं को किले के तहखाने में छिपाकर रखा जाता था। ऐसे ही आपने कोहिनूर हीरे के बारे में तो जरूर सुना होगा। क्या आपको इसका इतिहास पता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि कोहिनूर हीरा गोलकोंडा से संबंध रखता है। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी के दौरान
गोलकोंडा हीरे जवाहरातों का प्रसिद्ध बाजार हुआ करता था, जिसमें भारत का कोहिनूर भी शामिल था। यहाँ कभी हीरे की खाने हुआ करती थी, जिसने पूरी दुनिया को कई बेशकीमती हीरे दिए। हालांकि अब इन खानों का अस्तित्व भी मिट चुका है। आक्रमण के बाद यह किला व आसपास का इलाका बहुत हद तक प्रभावित हुआ है। पर हाँ, इस किले के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ भारत सरकार द्वारा किसी को जाने की इजाज़त नहीं। इससे पता लगता है कि गोलकुंडा किले के तहखाने की खुदाई की जाए तो इसमें ऐसी बहुमूल्य वस्तु मिल सकती है जो शायद आज से पहले हमने किस्से और कहानियों में ही सुनाई दी हो। परंतु कई जगह किलों के तहखानों में हैरतअंगेज करने वाली चीज़ें भी मिल चुकी है। उन्हीं किलों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि उन सदियों पुराने प्राचीन किलों की रोचक जानकारी आप तक पहुंच पाए।